IMF की पाकिस्तान के लिए एक और कड़ी शर्त, पाकिस्तान को चीन से कर्जा लेने से रोक दिया। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक पाकिस्तान बिजली की कीमतों पर चीनी कंपनी से मुआहदों पर नजरसानी करे। चीनी IPPs को बिजली बनाने की ज़्यादा कीमत अदा की जा रही है। मुआशी माहरीन कहते हैं कि IMF के इकदाम मानना और इनकार करना दोनों पाकिस्तान की मईशत के लिए नुकसानदेह होंगे। अटक की अदालत में इमरान रियाज केस की समाप्त मुकम्मल, फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। वकील ने अदालत को बताया कि इमरान रियाज ने वही बात बताई जो मेरियट होटल में इमरान खान ने की। अगर बात बताने वाला मुजरिम है तो बयान देने वाले पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? इमरान रियाज की जमानत के बाद दोबारा गिरफ्तारी का खदशा, अदालत के बाहर चकवाल पुलिस के दस्ते मौजूद। सहाफ़ी इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI का शहर शहर एहतजाज, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और हैदराबाद में कारकुनान के मुजाहरे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान असद उमर ने कहा कि ताकत से जवाबबंदी नहीं की जा सकती। ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद और सरदारी फौज के खिलाफ बयान देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? मुराद सईद बोले कि इमरान रियाज खान को अगवा किया गया, उन्हें रिहा करना होगा। सहूलतकारों से पूछता हूँ कि किस किस को गिरफ्तार करोगे? ये लोग एम्पायर और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इलेक्शन जीतना चाहते हैं, जो मर्जी कर लें, धांधली नहीं करने देंगे, जीत हमारी होगी, 20 की 20 सीटें हम ही जीतेंगे। इमरान खान का चीचावत्नी में जलसायाम से खिताब, कहा शरीफ खानदान ने आज तक एक काम भी ईमानदारी से नहीं किया, चोरों का साथ देने वालों का भी एहतसाब होगा। चेयरमैन PTI का अयाज अमीर और इमरान रियाज को सलाम। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी, भिपरा पानी सब कुछ बहा ले गया, कई बस्तियां सिफाए हस्ती से मिट गईं। 3 रोज़ में मुख्तलिफ हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। 1 माह में अमवात की तादाद 39 हो गई, 11 अमवात सिर्फ कोयटा में हुई। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 77 हो गई है। कराची में इंतजामिया की नाहली ने एक बार फिर रहमत को जहमत बना दिया, करंट लगने और छतें गिरने से 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, शाहराहों और गलियों में ताहाल बारिश का पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में अब भी मानसून का ताकतवर सिस्टम मौजूद है, मजीद 50 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। मवेशी मंडी में भी कीचड़ का ढेर, खरीदार मामूल से कम। लाहौर हाईकोर्ट का हलीम आदिल शेख को फौरी रिहा करने का हुक्म, अदालत ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर, हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI का शहर शहर एहतजाज। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के 5 नंबर बढ़ गए, इलेक्शन कमीशन ने 5 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI के 2 अकलियती और 3 खवातीन मेंबर्स नोटिफाई, हल्फ के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली ने इजलास तलब कर दिया। और बरतानिया में सियासी बहरान, मुस्ताफी हो गए काबीना के 38 अरकान, 90 बरस में नई तारीख रकम, इस्तीफा नहीं दूंगा, बरतानवी वजीर आजम डट गए। पार्लियामेंट में बाय बाय बोरिस के नारे, बोरिस जॉनसन की काबीना के सीनियर अराकीन से मुलाकात, मुस्ताफी बुसरा की जगह नई तैनातियों पर गौर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।